Hey everyone, this is Jatin Arora. I am a Soaring Eagle Manager in Forever's Marketing Plan. तो आज आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Forever के Virtual Success Day में. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको Forever क्यों स्टार्ट करना चाहिए या आप किस Forever किस प्रकार की कंपनी है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 10 साल पहले मैं एक नौकरी कर रहा था, साथ में एक टैक्सी बिजनेस कर रहा था. दोनों काम चल रहे थे, ब्रेड एंड बटर चल रही थी. लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि इन दोनों काम के माध्यम से ब्रेड एंड बटर के अलावा इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला. मेरे ड्रीम्स उस ऑर्डिनरी नौकरी से और ऑर्डिनरी बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते. तो इसीलिए मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट करने का निर्णय लिया. Forever एक ऐसी कंपनी है जहां पर मैं अपना करियर बना सकता हूं, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपनी है. Forever एक कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है. आज Forever के पास में दुनिया भर में $1.5 बिलियन से भी ज्यादा की एसेट्स है. आप एक बात बताओ, आप कैसी कंपनी के साथ में अपना भविष्य बनाना चाहेंगे, जो कंपनी कर्ज में डूबी हुई है या जो डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, ऑफ कोर्स Forever जैसी कंपनी के साथ में. आज ये कंपनी 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है. आपको मालूम है Forever एरिजोना के एक छोटे से शहर फीनिक्स से स्टार्ट हुई थी और आज ये दुनिया भर में कंपनी 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है. और आज मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि Forever ने आज मेरा करियर बनाया है. मैं आज इस बिजनेस पे फुल टाइम काम कर रहा हूं. शुरुआत में मैं इसमें पार्ट टाइम आया था, लेकिन आज इंडिया के अंदर आपको पता है हजारों लोग Forever को एज अ करियर चुन चुके हैं. आपको पता है Forever की एक बेस्ट चीज क्या है? ये आपको दो सेगमेंट की इनकम ऑफर करती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम. जब आप कोई जॉब करते हो, कोई ऑर्डिनरी बिजनेस करते हो, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, आपको एक्टिव इनकम आती है. लेकिन क्योंकि Forever डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक्टिव इनकम भी आती है और एक्टिव इनकम के साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी आती है. जब आप किसी FBO को रिक्रूट करते हो और वो FBO कुछ टर्नओवर करता है, तो उस टर्नओवर के ऊपर आपको एक्टिव इनकम आती है. और जब आपका FBO अपनी टीम बिल्ड करता है और उसकी टीम आगे टीम बिल्ड करती है और वो टीम आगे टीम बिल्ड करती है, तो जो भी टर्नओवर जनरेट होती है उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसिव इनकम मिल सकती है. तो ऐसा जबरदस्त बिजनेस है कि जिसमें ना केवल आप अपने एफर्ट्स के ऊपर पैसा कमाते हैं, बल्कि आपकी टीम के द्वारा जो टर्नओवर जनरेट करी जाती है उसके ऊपर भी आप पैसा कमाते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा रीजन क्या था Forever में आने का, आज से 10 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो रीजन था मुझे Forever से अपने सपने पूरे करने थे, जिसमें से काफी सारे पूरे हो गए. और आज भी अगर मैं दिन रात Forever में काम में लगा हुआ हूँ, अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो आज भी क्या रीजन है कि मैं Forever में काम कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स वो सपने मैंने काफी सारे अपडेट कर दिए, पुराने सपने पूरे हो गए, अब नए सपने ऐड कर लिए. तो जिस प्रकार से आज Forever ने हमारे सपनों को पूरा किया है, Forever आपके भी सपनों को पूरा कर सकता है. ये स्टेबल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, एथिकल कंपनी है. इस कंपनी के साथ में जुड़कर, इस कंपनी में बिजनेस बिल्ड करके जैसे हजारों लोग लखपति बन चुके हैं और सैकड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है. तो बस लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो, गिव अप नहीं करना. और यकीनन जैसे बाकी सब लोग कामयाब हुए हैं उस प्रकार से आप भी जरूर Forever में कामयाब हो सकते हैं. दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ ग्यासुद्दीन अहमद फ्रॉम गुवाहाटी असम. Forever लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इस बिजनेस में काम करने से पहले मैंने काफी सारा कंपनी में काम किया. Forever करने से पहले मेरा बस बहुत कर्ज था, लगभग 50 लाख कर्ज था. परिवार का हालत बहुत ही खराब था और मैं सोच रहा था उस समय क्या करूं. उसी वक्त फरिश्ता बन के एक व्यक्ति
मेरा साथ मुलाकात होते हैं। ये समय था 2011, 4, 5, 6 मार्च। उनका बातों पर मैंने भरोसा किया और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में साइन अप की। साइन अप करने के बाद मैंने उनका बातों का अनुसरण काम करता गया। शायद आप लोग आश्चर्य होंगे यह व्यक्ति कौन है, मेरा मेंटर महागुरु मिस्टर सूर्या सिन्हा जी, मैं मेंटर मानता हूं उनको, मेरा लाइफ कोच है। उन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में साइन अप करा। ये बिजनेस रियली कमाल का है और मैंने टीम के साथ कंधा के साथ कंधा मिला के मैं 100% लग गया तन मन धन के साथ। और एक साल के अंदर 17 मैनेजर मेरा टीम में निकला। इसके बाद मैं सीनियर मैनेजर बना। कार प्लान 1, 2, 3 मेरे को रिसीव किया। मैंने नेशनल टूर मेरे को मिला, इंटरनेशनल टूर मिला। और सबसे बड़ी बात है मैं इतना मोटिवेट होके काम किया, पहला साल में ही मेरे को चेयरमैन्स बोनस मिला, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिला, सब कुछ हो गया मेरा। और मैं बहुत खुश हूं रियली। फॉरएवर करने के बाद आज 9 इयर्स मेरा हो रहा है, 9 इयर्स कंप्लीट है, 10 इयर्स रनिंग है। कि 10 इयर्स के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैंने जो सपना लिया था, जो मेरा ऊपर कर्ज था 50 लाख से ज्यादा मेरा कर्ज था, ये सारे कर्ज मुक्त हो गया। दोस्त क्या बताऊं, आज मेरा परिवार फॉरएवर को लेके बहुत खुश है। क्योंकि रहने का घर नहीं था, आज 2 जगह में मेरा घर है। एक गांव में है रंगिया में और एक गुवाहाटी में मिडिल पोजीशन में एक ख्रिस्टन बस्ती गणेशगुरी फ्लाईओवर का सामने ही मेरा बहुत अच्छा एक मकान है, जो करोड़ों का एक मकान में आज रह रहा हूं मैं। मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि जब भी मैं घर पे रहता हूं ये 5 स्टार से कम नहीं है। आज मेरा जो लाइफस्टाइल है रियली मैं क्या बताऊं, फॉरएवर मेरे को रियली लाइफस्टाइल दिया है। हेलो फॉरएवर फैमिली, माईसेल्फ इकबाल सिंह मल्ली। और दोस्तों मैं बेसिकली पंजाब के एक छोटे से गांव छोटा जंडवाला से बिलोंग करता हूं, जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में पड़ता है। और दोस्तों मैंने अपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस का आगाज जुलाई 2013 में किया था। एंड इस बिजनेस से पहले मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, मैं बेसिकली एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करने से पहले मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं किया था। मेरे साथ इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरे गांव के रहने वाले हैं, मिस्टर यादविंदर सिंह बराड़। आई एम रियली थैंकफुल टू यादविंदर सर, जिन्होंने मेरे साथ ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। और जैसे ही उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, आई फील सो गुड। एंड मुझे लगा कि बिजनेस तो बने मेरे लिए। जैसे मैंने फॉरएवर लिविंग को जांचा परखा तो मैंने ये पाया कि ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, $1 बिलियन का प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्मॉल स्केल से अपना बिजनेस शुरू करके जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इस बिजनेस की बदौलत मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। और मैं एक छोटे से गांव से निकलकर आज चंडीगढ़ में अपनी फैमिली के साथ वेल सेटल्ड हूँ। एंड मेरे लिए सबसे जो प्राउड मोमेंट है मेरे 7.5 साल के करियर में, वो ये है कि मेरी टीम में मिस्टर जसप्रीत सिंह बराड़, जब उन्होंने अपनी खुद की मर्सिडीज गाड़ी बाय करी, 26 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी उन्होंने बाय करी, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे मतलब जफ्फी डाल के थैंक यू बोला, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और मेरे लिए मेरी जो खुशी है वो मेरी टीम की खुशी है। और दोस्तों इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत सारी दुआएं कमाने का मौका मिला। और अभी लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था तब सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, और ऑफलाइन वर्किंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, लोगों को मिलना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना। एंड उसके बाद जैसे जैसे इंडिया में 4G आया, हमने अपने बिजनेस को फुली डिजिटलाइज कर दिया और आज हम टोटली ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। और जैसे ही हमने चीज़ों को डिजिटलाइज किया तो ग्रोथ और भी अच्छी होने लगी। और जब हमने शुरू किया था ऑफलाइन वर्किंग में,
तो कई सालों में हम पंजाब से बाहर इस बिजनेस को नहीं लेके जा पाए थे, और जैसे हमने डिजिटलाइज कर दिया, आज हम इंडिया की हर स्टेट में इस बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके हैं एंड करीब करीब 14 से 15 कंट्रीज में भी हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं आज इस बिजनेस में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई फील सो प्राउड कि मैं छोटे से गांव से निकल कर आई एम ए प्लस टू ड्रॉप आउट गाय, मेरे पास कोई हायर एजुकेशन नहीं थी, बस गांव से खेत और खेत से गांव, बस इतनी की दुनिया थी, और इस बिजनेस के में आने के बाद बहुत कुछ सीखा और आज मैं बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ और बहुत अच्छी जीवन शैली जी रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी इन बातों से आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, कभी गिव अप नहीं करना है, एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। आई एम इकबाल मल्ली, आई एम फॉरएवर। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए जॉब किया, उसके बाद क्योंकि टेक्निकल माइंड था तो मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। इस 20 साल के करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे मैंने देखे। अभी मैं आपको बात बताऊंगा, दैट इज अराउंड अक्टूबर नवंबर 2004 की बात बताऊंगा। फादर वॉज डायबिटिक सिंस लास्ट 25 ईयर्स, 25-26 साल से वो डायबिटिक थे, तो उनका जो फास्टिंग लेवल रहता था वो तकरीबन 200-250 रहता था, पीछे काफ़ी दिनों से इस तरह से चल रहा था। तो जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चलता था तो डॉक्टर ने कहा कि दिस इज़ अ वेरी हाई साइड ऑफ शुगर लेवल, आप ऐसा करेंगे, अब फादर साहब को अभी हम इंसुलिन पे लगा देते हैं। तो इन द मीन टाइम द सेम फ्रेंड जो मेरे को एक साल पहले मिले थे, तो उनसे जब मैंने वो डिस्कशन की, 50 वो चंडीगढ़ उनका आना हुआ, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वी हैव सम प्रोडक्ट्स जो कि आपके फादर को बेनिफिट कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या मेरे को दवाइयां बंद करनी पड़ेगी? वो कहते नहीं, दवाइयां भी बंद नहीं करनी है, आपने मेडिसिन को साथ में रखना, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आप देना शुरू करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बॉटल्स दे दी, येलो कलर की कोई बॉटल्स थी, मैंने कोई ज़्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं, लेकिन 2-3 महीने का ये डेवलपमेंट ज़रूर हुआ कि जो फादर का फास्टिंग लेवल 200-225 था वो 80-90-100 के बीच में रहने लगे। तो इतना विश्वास हुआ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इतना फेथ डेवलप हुआ, नहीं तो मेरे को कुछ एक चीज़ें बहुत पॉजिटिव नजर आई कि जो हो सकता है कि मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। जो होता है ना कि एक भगवान की तरफ से भेजा हुआ किसी को अवतार मानते हैं, तो मेरे को लगा कि शायद ये जो प्रोजेक्ट अभी मेरे पास आया है जिसकी मेरे को पिछले 20 सालों से तलाश थी, हो सकता है यही वो प्रोजेक्ट हो जो कि मेरी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट्स पे फेथ तो मेरे को हो गया, और आप जान के हैरान हो गए कि जनवरी 2005 में देन आई डिसाइडेड कि मैं अभी फॉरएवर को एक फुल टाइम करियर अपने साथ लूंगा। 2005 के नवंबर में मेरे को मैनेजर यहाँ पे मिला और एक 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार की एक मंथली इनकम रेगुलर बेसिस पे आनी शुरू हो गई। 2006 में फिर पहली गाड़ी मेरी फॉरएवर की तरफ से आ गई। 2007 में पहला डोमेस्टिक टूर भी हो गया, जिसको हम मैनेजर्स रिट्रीट बोलते हैं।